हेलो दोस्तों, आज मेरा ब्लॉग बनाने का बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी। दोस्तों, आज एक बहुत ही बड़ी घटना हो गई है। आज मेरा मन बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, क्योंकि दोस्तों मुझे आपको पता है, मुझे हमेशा ब्लॉग वगैरह कुछ ज़्यादा ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो आपने मेरे कई वीडियो में उन छोटे छोटे से पिल्लों के छोटे से बच्चों को देखा होगा, डॉग्स के बच्चों को देखा होगा। तो जब सुबह उठाता था वो चारों, एक तो पांच बच्चे थे उसके, तो एक तो पहले ही मर गया था किसी की स्कूटी के नीचे आके, बाकी चार थे। तो आज वो बेचारे बिल्कुल रोड के किनारे तीनों बैठे हुए थे। मतलब रोड से, ऐसा नहीं कि वो रोड के बीचों बीच बैठे हुए थे, रोड के बिल्कुल साइड में बैठे हुए थे वो। और एक हमारी कॉलोनी में कुछ ऐसे असामाजिक तत्व हैं जो ऑटो लेके जा रहे थे, मतलब ऑटो उनके ऊपर हो के, तीनों के ऊपर हो के ऑटो को निकाल दिया, और उसमें से एक तो मर ही गया जो काफ़ी प्यारा और काफ़ी छोटा था। वो मेरा सबसे ज़्यादा अजीज़ था, मतलब मुझे सबसे ज़्यादा पसंद था। और दोनों की पैर, मतलब पैर के ऊपर से ऑटो निकल गया, तो दोनों का पैर की बहुत हालत ख़राब है। अभी मैंने पट्टी वगैरह उनकी की है, और अभी उनको हल्दी वाला दूध वगैरह पिलाया, और उनकी कंडीशन भी काफ़ी ख़राब है। और मैं ये वीडियो डाल के ये बताना नहीं चाहता कि मैं कुत्तों की उनको पट्टी बांधी ये बांधी, मगर मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ उन लोगों को जो इन जानवरों को बिल्कुल प्यार की जूती के बराबर समझते, मतलब देखते हुए भी उनके ऊपर से निकल जाते हैं। मैं मानता हूँ कि अगर जो चीज़ अचानक से जो हो जाती है, मैं मानता हूँ कि भाई गलती से हो गई, वो चीज़ तो मैं मानता हूँ। और आपको और मॉर्निंग के टाइम में इतना उजाला है, और आप सुबह के वक्त में आपको तीन छोटे छोटे बच्चे नहीं दिखे, और आप उनके ऊपर ऑटो निकाल देते हो उनको, और इंसानियत नाम की बिल्कुल भी चीज़ नहीं, गाली गलौज कर रहे हो और झगड़ा कर रहे हो, और ऊपर से उनको देखना तो कहीं दूर हुआ, और अलग ही ढंग के, मतलब अलग तरीके से उनका पेश आना, तो ये बहुत ही गलत बात है दोस्तों, बहुत गलत बात है कसम से। तो मैं उन लोगों के लिए ज़रूर कहना चाहूँगा कि देखो, आज तुम लोगों ने उनके साथ ऐसा किया तो ऊपर वाला देखता है। बोलते ना कि अपने कर्मों का फल अपन को यहीं पर भुगत के जाना है। और मैं ये वीडियो नहीं डालना, आज मुझे मेरे जो नया चैनल है उसके रेसिपी की आज मैं बिल्कुल भी डाल नहीं रहा हूँ। आज मुझे कुछ भी काम करने की इच्छा नहीं होती है, मगर मुझे ये चीज़ आपके साथ शेयर करनी थी कि प्लीज़ दोस्तों, आपको हाथ जोड़ के जाओ, आप कभी भी कहीं पर भी जाओ, अगर आपको कुछ छोटे से कुत्तों के पिल्ले वगैरह दिखे तो एक बार, कि वो तो ना समझे, उनको तो इस चीज़ का पता होता नहीं है कि आगे क्या है क्या नहीं है। एक मिनट अगर आप रुक जाओगे तो आपको देरी नहीं होगी, शायद वो एक मिनट रुकना आपके लिए काफ़ी फ़ायदा भी हो सकता है। तो दोस्तों, मैं आपको उनसे मिलवाऊंगा भी, क्योंकि कितनी कंडीशंस ख़राब है, मैं आपको भी वीडियो में दिखाऊंगा। और आज मैंने उनका सुबह इतना अच्छा सा वीडियो डाला था, मैंने इंस्टाग्राम में डाला भी था, क्योंकि मेरी एक सिस्टर है उनके, अक्सर वो उनको लेके फ़ोटो खींचती और इंस्टा पर डालती, तो मैंने उनको आज सुबह बोला था कि आप इंस्टाग्राम पर फ़ोटो डाले तो दीदी के पास से बिस्किट लेना, फ्री में सेल्फी नहीं लेने का। मगर मुझे क्या पता था कि आज उनके साथ इतनी बड़ी घटना हो जाएगी। तो दोस्तों, मैं आज मुझे बहुत दुख है, मतलब बहुत ही ज़्यादा हर्ट हूँ, तो बहुत ही बुरा लग रहा है, क्योंकि वो मुझे बहुत ही अजीज़ थे मेरे, और मुझे उनसे काफ़ी लगाव था, इनसे ही नहीं, हर 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 जानवर से मुझे काफ़ी लगाव है। और अब मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आज मेरा वो किचन वाले में तो बिल्कुल भी ब्लॉग में कुछ भी नहीं बना पाऊँगा, कोई रेसिपी नहीं बना पाऊँगा, इसलिए मुझे नहीं लगता कि मैं एक दो दिन कुछ रेसिपी शेयर कर पाऊँगा। उसके लिए मैं क्या करूँ, नहीं भी शायद में हो सकता है मैं ब्लॉग भी कंटिन्यू नहीं बना पाऊँ, क्योंकि मेरा आज मानसिक संतुलन बिल्कुल भी बिगड़ चुका है। और दोस्तों, मैं आपको उनसे मिलवाता हूँ, बने रहिए वीडियो के अंदर। देखिए दोस्तों, इसकी क्या कंडीशन कर दी है, एक के बेचारे के बिल्कुल ये पैर पे ऊपर से निकल गया। मैंने इसको फर्स्ट एड किया, पट्टी वगैरह बांधी है, और आज संडे था बट कोई डॉक्टर हॉस्पिटल खुला नहीं था। मैं कल जाऊँगा इनको लेके दिखाने के लिए। इसके तो फिर भी काफ़ी कम लगी है, मगर इसके कुछ ज़्यादा ही लगी, और इसको तो कुछ भी नहीं महसूस हो रहा है। आज तो बिल्कुल एक घायल है, बाकी कल तो इतने चारों घूमते रहते थे, खेलते रहते थे, इतना अच्छा लगता था। आज तो ऐसा लग रहा है कि गली में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि चहल पहल बिल्कुल ख़त्म हो गई है। और इसको मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा चोट आई है, किसका हाथ था बिल्कुल ही क्रैक हो गया है। आज ये कंडीशन इसकी बहुत ख़राब है। कैचो बेटा, ये देखो, एक ये था, इससे जो छोटा वाला था ना, उसकी डेथ हो गई है यार। मतलब बहुत ही बेकार माहौल है, बहुत ही लोगों की, मतलब लोग अंधों की तरह ही चलते। आज देखो इनकी कंडीशन कितनी ख़राब हो गई है,
तो दोस्तों मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि कभी भी आप कहीं पे भी जाओ तो कहीं पे भी आपको पिल्ले वगैरह दिख जाए तो एक मिनट के लिए रुक जाइए, और जैसे कि उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ आपको। दोस्तों आप लोगों ने उन बच्चों की कंडीशन तो आपने देख ही ली होगी, किस कंडीशन में बेचारों की झेल रहे, किस कितना दर्द हो रहा होगा। अपन को दोस्तों छोटी सी कहीं कहीं लग जाती है तो अपन को कितना दर्द फील होता है, और उन लोगों उन बेचारों के तो एक के पैर और एक के दोनों के पैर एक के हाथ में लगी है तो उनको तो काफ़ी दर्द फील हो रहा होगा। तो दोस्तों मैं ये सब चीज़ नहीं दिखाना चाहता था दोस्तों, इच्छा नहीं हो रही थी, मगर इस वीडियो के माध्यम से कुछ तो लोगों को ऐसा लगेगा, जो भी मेरा वीडियो देखेंगे तो कुछ तो सोचेंगे कि वास्तव में। तो मैं तो दोस्तों ये बोलता हूँ कि इनको भी जीने का अधिकार, जब भगवान ने इनको यहाँ पे भेजा है, धरती पे भेजा है, तो उनको जीने का अधिकार इनको जीने दीजिए। जो ये लोग अंधों की तरह बाइक वगैरह चलाते हैं, गाड़ी वगैरह चलाते हैं, तो ये गलत बात है। आप प्लीज़ उन इंसानों के बारे में सोचिए, उनके अंदर भी एक जान होती है, उनके भी दर्द होता है, उनको भी दर्द, आज वो कितना दर्द महसूस कर रहे होंगे वो खुद ही जानते हैं। क्योंकि अपन तो किसी को अपना दर्द बोल के बता सकते कि मुझे ये दर्द हो रहा है, हाँ, मगर ये किसी को अपना दर्द कैसे बता पाते। अपन सिर्फ इनका इनके दर्द को अपन समझ सकते, महसूस कर सकते हैं, है ना। तो दोस्तों प्लीज़ आप लोगों सबसे हाथ जुड़ के रिक्वेस्ट हैं कि प्लीज़ कभी भी आपको कहीं पे भी ये छोटे मोटे पिल्ले वगैरह दिख जाए तो प्लीज़ एक मिनट स्टॉप कर लोगे तो आपका कुछ भी नहीं जाने वाला, आप कोई समय बिगड़ने वाला नहीं है। तो इनकी सुरक्षा कीजिए, इनको दया दीजिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ मैं कि आप लोग ये कर रहे हो, अनजान में जो चीज़ हो जाती वो चीज़ तो चलो मानते हैं, अनजाने में हो गई, मगर आँखों देख के तो ऐसा हरकत नहीं करना चाहिए। और जिन लोगों ने इनके साथ ये किया आज, तो भगवान ज़रूर उनको देखेगा, क्योंकि उन्होंने गलती की। और अभी मैंने जब सुना है कि वो लोग बोल रहे कि हम आज 3 कुत्तों को ऑटो के नीचे देखा है, मतलब जैसे कोई अवार्ड जीतने वाला काम किया हो ना। अभी जस्ट मुझे किसी ने पीछे से, हमारी कॉलोनी के हैं वो शख्स, हम झगड़ा नहीं करना चाहते, कि मुझे पता है कि वो अनएजुकेटेड है, पढ़े लिखे तो है नहीं, उनसे बात करना भी मतलब बेकार की बात है, उनसे बात करना मतलब भैंसिया के बीन बजाना, उनको समझाने जाएंगे तो उल्टा झगड़ा करने आ जाएंगे, है ना। तो उल्टा वो लोगों को बोल रहे कि हम आज 3 कुत्तों को मार के आ गए, तो मतलब जैसे ना उन्होंने कोई बहुत बड़ा काम कर लिया हो, जैसे बहुत बड़ा तीर मार लिया हो। दोस्तों समय सबका आता है, आज इनका था तो कल किसी और का भी समय हो सकता है। मैं किसी को गलत कहना नहीं चाहता कि उनके साथ ऐसा हो, और भगवान है ना रब, ऊपर सब कुछ देखता है। अगर आप अच्छा कर्म करोगे तो आपको फल भी अच्छा ही प्राप्त होगा, और आप बुरा करोगे तो आपको उसका बुरे का नतीजा आपको मिलेगा ही। वैसे गीता में नहीं कहा गया कि कर्म किए जाओ फल की इच्छा मत करो, जैसा आप कर्म करोगे वैसा आपको फल मिल जाएगा। तो दोस्तों मैं ज़्यादा आप नहीं बोल पा रहा हूँ, और क्या करूँ। तो दोस्तों मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर, शायद मैं 2 दिन ब्लॉग भी नहीं डाल पाऊँगा, तो सॉरी दोस्तों।